वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग फंडा। आज हम हाईवे का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमने हाईवे में जैकर कमेटी के रिकमेंडेशन पढ़े थे और मैंने लास्ट रिकमेंडेशन बताया था कि जैकर कमेटी ने कहा था कि रोड का डेवलपमेंट जो होना चाहिए, डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ठीक है, जिसमें से इंडिया ने उसको चुना। और हमने ये कहा कि हमारे वेरियस 20 ईयर्स जो प्लान आए थे, ठीक है ना, वेरियस 20 ईयर प्लान्स में, ठीक है, हमने पहला प्लान बताया था आपको नागपुर था। फर्स्ट वन इज़ नागपुर, सेकेंड वन इज़ बॉम्बे बॉम्बे एंड थर्ड प्लान इज लखनऊ प्लान। यहाँ तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट अब हम करते हैं इन तीनों की कंपैरिजन करते हैं। कभी कभी कंपैरिजन से भी क्या आता है, क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के आज हम कंपैरिजन करेंगे इस लेक्चर में। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, कंपैरिजन बिटवीन द 20 ईयर्स प्लान, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा टॉपिक क्या है, कंपैरिजन बिटवीन 20 ईयर्स। चलिए मैं तीनों को एक साथ लिखता हूँ। यहाँ मैं नेम लिखता हूँ, कौन सा प्लान का नेम, ठीक है ना। दूसरा लिखता हूँ ड्यूरेशन क्या था, देखिएगा नहीं, यहाँ बैठा, यहाँ मैं नेम लिखता हूँ, ठीक, फिर लिखता हूँ यहाँ पे ड्यूरेशन, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, नेम, यहाँ लिखता हूँ ड्यूरेशन, ठीक, फिर डेंसिटी के बाद उसका पैटर्न क्या था, ठीक, पहले यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद। तो फर्स्ट 20 ईयर प्लान जो था उसका नाम क्या था, फर्स्ट 20 ईयर प्लान का नाम क्या था, ठीक है, फर्स्ट 20 ईयर प्लान का नेम क्या था, सेकंड 20 ईयर का नेम क्या था, और थर्ड 20 ईयर का नेम क्या था। डायरेक्टली नेम से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो याद रखेंगे आप, फर्स्ट 20 ईयर जो प्लान था हमारा वो कौन सा प्लान था, वो था नागपुर प्लान। कौन था, नागपुर प्लान, नागपुर प्लान। सेकेंड जो 20 ईयर प्लान था वो था हमारा बॉम्बे प्लान, और जो लास्ट था हमारा वो कौन सा था, और थर्ड जो था वो हमारा लखनऊ था, ठीक है। जो ये स्टार्ट हुआ 1943 से स्टार्ट हुआ और 1961 इसका डेट रखा गया था, 1963 रखा गया था, मतलब 20 इयर्स के लिए रखा गया था। आपको जान के एक बात हैरानी होगी, 1943 से स्टार्ट हुआ, 1947 में हमारा इंडिया कंट्री जो है वो आज़ाद हुआ, और उसके आज़ादी के जस्ट 3 साल बाद तक तो मैंने बताया था आपको कि रोड जो है ख़राब होने स्टार्ट हो गए, इसलिए 1950 में हमने CRRI का गठन किया ताकि इस पर रिसर्च करे, और रिसर्च करने के बाद से उसके बाद हमने फिर से काम स्टार्ट किया। और आपको जानने की पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क था जो समय से पहले पूरा हुआ, मतलब ये 1961 में ही जो था कंप्लीट हो गया था ये वाला प्लान, ठीक है ना। अब लिख लेंगे शॉर्ट में कहीं, ये कंप्लीटेड इन 1961, ठीक है, लिख लीजिए इसको, मैं यहाँ नीचे मिटाता हूँ। बॉम्बे या बॉम्बे का जो प्लान था वो 1961 में था, स्टार्ट से 1981 में, लेकिन ये कंप्लीट कब हुआ आपको पता है, इसको कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है, मतलब इस समय से कंप्लीट नहीं हुआ इसको 10 साल, मतलब आई थिंक 2001 या 2000 ऐसे में कंप्लीट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इस समय तक क्या हो गया था, यहाँ पे क्या आप जानते ही हो भ्रष्टाचार के बारे में, ठीक है ना, वो इंक्रीज हो गया था। 1981 में लखनऊ प्लान कहा गया था कि चलेगा 2001 तक, ये अभी 2014 में एंड हुआ है, मतलब सोचिए कि यहाँ तक कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया,
ठीक है 2001 तक वो था, याद रखें बस ड्यूरेशन याद रखें, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 2001 तक क्या था आपका लखनऊ प्लान, यहाँ तक होप कि आपको कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि डेंसिटी कितनी थी रोड की, मतलब कितना हमें डेंसिटी क्रिएट करना था, ठीक है। तो डेंसिटी जो थी आपकी नागपुर प्लान की वो थी 16 किलोमीटर, कितना बनाना था हमको 16 किलोमीटर बनाना था पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 100 किलोमीटर स्क्वायर अगर एरिया है तो उसमें हम 16 किलोमीटर का हम क्या बनाएंगे रोड बनाएंगे। बॉम्बे प्लान में इसको 32 कर दिया गया, कहा कि 32 किलोमीटर बनाएंगे रोड हम 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, ठीक है ना। और यही चीज़ चेंज कर दी, एक एक पॉइंट याद करना है आपको, ठीक है ना। यही चीज़ चेंज करके लखनऊ प्लान में कर दी गई 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना आप। ठीक, मैं इसको रब करता हूँ, ये तीनों पॉइंट्स होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो पैट नेक्स्ट जो इसी में अभी वही प्लान चल रहा है, ठीक है ना, इसी के आगे नीचे बढ़ाएंगे, नीचे लिखते जाएंगे। लखनऊ तक मैंने सॉरी लखनऊ मिट गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा पैटर्न क्या था, रोड का पैटर्न हमने कैसे डिजाइन किया था। तो पहले के लिए भी पैटर्न था, पहले नागपुर के लिए था स्टार एंड ग्रिड, क्या था स्टार और ग्रिड पैटर्न, इसके लिए भी सेम रखा गया और इसके लिए भी सेम रखा गया, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न ही रखा गया। नेक्स्ट जो था ये कहा गया कि एक्सप्रेस वे का कंसेप्ट लाया गया, तो एक्सप्रेस वे जो था पहले वाले में कितना था, ठीक है, तो पहले में था ही नहीं, यानी निल, क्या बोल सकते हैं, निल, 0/100। दूसरे वाले में बॉम्बे प्लान में भी नहीं था, लेकिन 1600 किलोमीटर जो है ना 1600 किलोमीटर बाद में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, एडेड लेटर ऑन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लखनऊ प्लान की, तो लखनऊ में 2000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे का चेक वो किया गया था कि हाँ 2000 किलोमीटर जो है एक्सप्रेस वे जो है इसमें बनेगा, ठीक है। अब इन्हीं रोड की क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ मैं, ठीक है, किसकी, नागपुर और बम्बे की प्लान में क्लासिफिकेशन रोड का कैसे किया गया था, ठीक है। तो नागपुर के जो क्लासिफिकेशन की गई थी उसमें रोड को 5 भागों में डिवाइड किया गया था, किसमें, 5 भागों में, NH, SH, MDR, SDR, सॉरी ODR एंड VR, ठीक है ना, VR मॉल नहीं, NH यानी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, ठीक है, इन पार्ट्स में किसको डिवाइड किया गया था, नागपुर के रोड, नागपुर प्लान से जो रोड बनने वाले थे इसमें यही सेम था, NH, SH, MDR, ODR और VR, बट लखनऊ प्लान में चेंज कर दिया गया। लखनऊ प्लान में रोड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पहला था प्राइमरी, दूसरा था सेकेंडरी और तीसरा था टर्शियरी। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन आने वाले, इस प्राइमरी क्या, तो सेकेंडरी क्या और टर्शियरी क्या। तो प्राइमरी में जो नेशनल हाईवे होते हैं और एक्सप्रेस वे होते हैं, तो नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे को रखा गया प्राइमरी में, नेशनल हाईवे प्लस EH, ठीक है ना। सेकेंडरी में स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को रख दिया गया, ठीक है ना, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को, और टर्शरी में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR और प्लस VR विलेज रोड को रख दिया गया, ठीक है ना, VR नहीं, और रूरल रोड तो जो गाँव में नॉर्मली बनते हैं उनको बोलते हैं क्लस्टर, ठीक है। इतना याद रखना है आपको इसमें, इससे ज़्यादा कंपैरिजन से मेरे आई गेस के क्वेश्चन नहीं आएंगे MDR और XDR से, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ये जो 3rd ईयर जो लखनऊ प्लान था हमारा, ठीक है ना, 3rd 20 ईयर प्लान था, उससे हम रोड की लेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ रोड निकालना हम सीखेंगे। और सो ये वो जो आप सीखने वाले वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो ज़रूर देखिएगा उसको, ठीक है। अभी के लिए मेरे ख्याल से आपको ये याद हो गया होगा, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।